नमस्ते, मैं संदीप और आज मैं आपको बाइबल में बताई गई कुछ सबसे इंटरेस्टिंग प्लेसों की एक शानदार यात्रा पर ले जाने वाला हूँ। हम तीन प्राचीन सिटियों का पता लगाएंगे, मेगिद्दो, हजोर और बेर्शेवा। बाइबल के इतिहास में इनमें से हर जगह का एक खास इंपॉर्टेंस है। जैसे ही हम इस साहसिक कार्य की शुरुआत करते हैं, हम इन प्राचीन भूमि के रहस्यों को उजागर करेंगे। हम मेगिद्दो की सड़कों पर चलेंगे, एक ऐसा शहर जिसने अनगिनत युद्ध देखे हैं। हम हजोर के रूइंसों का पता लगाएंगे, जो कभी सभी केनानी शहर स्टेटों में सबसे महान था। और हम बेर्शेबा के कुओं पर अपनी प्यास बुझाएंगे, जहां कुलपतियों ने अपनी शपथ ली थी। ये शहर किसी प्राचीन पाठ में केवल नाम नहीं है, ये असली कहानियों वाले असली स्थान है। पुरातत्वविदों दशकों से इनके रहस्यों को खोद रहे हैं। क्या आप समय में पीछे कदम रखने और बाइबल के लोगों के नक्शे कदम पर चलने के लिए तैयार हैं? आइए अपनी यात्रा शुरू करें। मेगिद्दो एक ऐसी जगह है जिसने अपने हिस्से के युद्धों से कहीं ज्यादा देखे हैं। कल्पना कीजिए कि आप तेल मेगिद्दो के ऊपर खड़े हैं और यिज्रेल घाटी को देख रहे हैं। यह वह जगह है जहां हजारों सालों से सेनाएं भिड़ती रही हैं। बाइबल मेगिद्दो का कई बार जिक्र करती है। यहूदा के राजा योशियाह ने मिस्र के राजा फेरो नेको से लड़ाई की थी। इस युद्ध में योशियाह मारा गया था। यह यहूदा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में मेगिद्दो का उल्लेख आर्मगेडन के रूप में किया गया है। मेगिद्दो की रणनीतिक स्थिति ने इसे एक पुरस्कार बना दिया था। यह मिस्र और मेसोपोटामिया के बीच मुख्य व्यापार मार्ग पर स्थित था। जो भी मेगिद्दो को नियंत्रित करता था, वह इस महत्वपूर्ण सड़क को नियंत्रित कर सकता था। यही कारण है कि यहां इतने सारे युद्ध लड़े गए। मेगिद्दो का स्थान ही उसकी सबसे बड़ी ताकत और उसका सबसे बड़ा अभिशाप था। प्राचीन व्यापार मार्गों के चौराहे पर स्थित यह एक ऐसा शहर था जिसे हर कोई नियंत्रित करना चाहता था। यह शहर यिज्रेल घाटी को देखता था, जिसे आर्मगेडन की घाटी के रूप में भी जाना जाता है। यह घाटी प्राचीन काल में एक राजमार्ग की तरह थी, जो मिस्र को सीरिया और मेसोपोटामिया से जोड़ती थी। आप जानते हैं कि जो कोई भी मेगिद्दो को नियंत्रित करता है, वह व्यापार मार्ग को नियंत्रित करता है। क्योंकि मेगिद्दो इतना मूल्यवान था, यह हमेशा खतरे में था। इससे मेगिद्दो के द्वार पर कई युद्ध हुए। मेगिद्दो पुरातत्वविदों के लिए खजानों का भंडार है। इस प्राचीन शहर की लेयरों में खुदाई करना इतिहास के पन्नों को पलटने जैसा है। प्रत्येक परत अलग अलग समय अवधि से एक अलग कहानी कहती है। मेगिद्दो में सबसे प्रभावशाली खोजों में से एक जल प्रणाली है। कल्पना कीजिए, एक सुरंग जो ठोस चट्टान से होकर काटी गई है, जो शहर की दीवारों के बाहर एक झरने की ओर ले जाती है। यह सुरंग 70 मीटर से भी ज्यादा लंबी है। इसने मेगिद्दो के लोगों को घेराबंदी के दौरान भी पानी तक पहुंचने की अनुमति दी। एक और आकर्षक खोज मेगिद्दो आइवरीज है। ये नक्काशीदार हाथी दांत के टुकड़े हैं, जिनका उपयोग संभवतः फर्नीचर को सजाने के लिए किया जाता था। वे दैनिक जीवन के सुंदर डिजाइन और दृश्य दिखाते हैं। कुछ तो मिस्र के प्रभाव को भी दर्शाते हैं, जो दर्शाता है कि मेगिद्दो एक महासिटीय शहर था। पुरातत्वविदों को मेगिद्दो में एक विशाल स्थिर परिसर के प्रमाण भी मिले हैं। ये राजा सुलेमान के रथ सिटियों के बाइबल के वृत्तांतों के अनुकूल है। भाग 5, हजोर, केनानी किंगों का सिटी। आइए अपने अगले पड़ाव पर चलते हैं, हेजर। बाइबल हजोर को उन सभी स्टेटों का मुखिया कहती है। यह कांस्य युग के दौरान कनान का सबसे बड़ा शहर था। उन दिनों में यरूशलम के आकार के 3 गुना शहर की कल्पना करो। हजोर एक भव्य शहर था, जिसमें विशाल दीवारें और द्वार थे। इसमें एक निचला शहर था जहां मोर्तर लोग रहते थे, और एक ऊपरी शहर या एक्रोपोलिस जहां राजा और पुजारी रहते थे। शहर को रहने, काम करने और पूजा करने के लिए अलग अलग रीजनों में विभाजित किया गया था। हजोर के टाइम से में सबसे इंटरेस्टिंग चीजों में से एक बाइबल के बाहर के ग्रंथों में इसका उल्लेख है। मिस्र और मेसोपोटामिया के ग्रंथ हजोर के टाइम से में बात करते हैं। यह हमें दिखाता है कि हजोर दूर दूर तक जाना जाता था, लेकिन बाइबल में हजोर की कहानी विनाश की है। पुरातत्वविदों को एक भीषण आग के प्रमाण मिले हैं, जिसने शहर को नष्ट कर दिया था। भाग 6, हजोर के विनाश के बाइबल के टेल्स। बाइबल हमें हजोर के विनाश के टाइम से में एक नाटकीय कहानी बताती है। यहोशू की पुस्तक में हमने पढ़ा कि कैसे इसराइली यहोशू के लीडरशिप में
कनान पर विजय प्राप्त की। हजोर उन सिटियों में से एक था जिन पर उन्होंने हमला किया था। बाइबिल कहती है कि यहोशू ने हजोर को आग से जला दिया। यह एकमात्र ऐसा शहर था जिसे इसराइलियों ने पूरी तरह से जला दिया था। लेकिन हजोर को इस तरह के विनाश के लिए क्यों चुना गया? बाइबिल हमें एक सुराग देती है। यह कहता है कि हजोर उन सभी स्टेटों का मुखिया था। इसका मतलब है कि हजोर इस क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली शहर था। हजोर को नष्ट करके इसराइली एक मजबूत बयान दे रहे थे। वे दिखा रहे थे कि वे सबसे शक्तिशाली सिटियों को भी हरा सकते हैं। हजोर की विजय को ईश्वरीय वादे की पूर्ति के रूप में देखा गया था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बाइबल बाद में फिर से हजोर का उल्लेख करती है। न्यायाधीशों की पुस्तक में हमने पढ़ा कि हजोर का पुनर्निर्माण किया गया और यह फिर से शक्तिशाली हो गया। भाग 7, हजोर के रहस्यों की एक्सकवेटिंग। पुरातत्वविद दशकों से हजोर में खुदाई कर रहे हैं और उन्होंने जो पाया है वह वाकई अद्भुत है। आइए कुछ सबसे रोमांचक खोजों का वर्चुअल टूर करें। सबसे पहले महल है। यह कोई साधारण इमारत नहीं थी, यह बहुत बड़ा था। लगभग 750 वर्ग मीटर के क्षेत्र को कवर करता था। महल के अंदर पुरातत्वविदों को कुछ अप्रत्याशित मिला, एक मिस्र के राजा की स्टैच्यू। इस मूर्ति को प्राचीन काल में जानबूझकर तोड़ दिया गया था। क्यों, हम निश्चित रूप से नहीं जानते हैं, लेकिन यह मिस्र के शासन के खिलाफ विद्रोह का कार्य हो सकता है। हजोर में एक और आकर्षक खोज एक क्यूनिफॉर्म टैबलेट है। यह टैबलेट अकैडियन में लिखी गई थी, जो उस समय की एक गुच्छ लिखित भाषा थी। हजोर में इस टैबलेट का मिलना हमें दिखाता है कि शहर का दूर देशों से संबंध था। लेकिन शायद हजोर में सबसे रोमांचक खोज बाइबल में वर्णित भीषण आग का प्रमाण है। पुरातत्वविदों को राख और जले हुए मलबे की एक मोटी परत मिली है। रेडियो कार्बन डेटिंग इस परत को 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व में रखती है, जो बाइबल की टाइम रेखा से मेल खाती है। भाग 8, बेरशेबा, कुलपतियों का ओएसिस। अब आइए दक्षिण की ओर हमारे अंतिम गंतव्य की यात्रा करें, बेरशेबा। यह शहर बाइबल के इतिहास में एक खास स्थान रखता है। यह कुलपतियों अब्राहम, इसहाक और याकूब से जुड़ा है। बेरशेबा के प्राचीन कुएं पर खड़े होने की कल्पना कीजिए, वही कुआं जहां इन बाइबल के लोगों ने पानी पिया होगा। बेरशेबा रेगिस्तान में एक नखलिस्तान था। एक ऐसी भूमि में जहां पानी दुर्लभ था, बेरशेबा में कुएं थे। इसने इसे यात्रियों और ट्रेडियों के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव बना दिया। बेरशेबा नाम का अर्थ ही शपथ का कुआं या सात का कुआं है। बेरशेबा शहर ने कुलपतियों की कहानियों में महत्वपूर्ण लैंडका निभाई। अब्राहम कुछ समय यहां लिव्ड, इसहाक ने यहां एक वेदी बनाई, मिस्र जाने से पहले याकूब को यहां भगवान का दर्शन हुआ था। ये कहानियां हमें दिखाती हैं कि बेरशेबा सिर्फ एक शहर से कहीं बढ़कर था, ये आध्यात्मिक इंपॉर्टेंस का स्थान था। भाग 9, शपथ का कुआं, बेरशेबा की ओरिजिन। बेरशेबा को इसका नाम कैसे पड़ा, इसकी कहानी बहुत ही आकर्षक है। यह संघर्ष और समाधान, शपथ और समझौतों की कहानी है। बाइबल हमें बताती है कि अब्राहम ने यहां एक कुआं खोदा था, लेकिन फिर गेरार के राजा अबीमेलेक के साथ इस कुएं को लेकर विवाद हो गया। अब्राहम के सेवकों ने इस सूखी जमीन में एक कुआं डग, लेकिन अबीमेलेक के सेवकों ने कुएं पर अपना दावा कर लिया। बाइबल हमें बताती है कि अब्राहम और अबीमेलेक ने एक संधि की। उन्होंने कुएं की कसम खाई। इस समझौते पर मुहर लगाने के लिए अब्राहम ने अबीमेलेक को 7 भेड़ के बच्चे दिए। यहीं से बेरशेबा नाम आया है। बेर का अर्थ है कुआं और शेबा का अर्थ शपथ और सात दोनों हो सकता है। यह कहानी हमें प्राचीन काल के जीवन के टाइम से में कुछ महत्वपूर्ण बताती है। कुएं केवल पानी के स्रोत नहीं थे, वे ऐसे स्थान थे जहां महत्वपूर्ण समझौते किए जाते थे। भाग 10, बेरशेबा, प्राचीन इंजीनियरिंग का एविडेंस। बेरशेबा सिर्फ बाइबल की कहानियों की जगह नहीं है, यह एक ऐसी जगह भी है जहां हम प्राचीन इंजीनियरों की कुशलता को देख सकते हैं। प्राचीन बेरशेबा की सबसे प्रभावशाली विशेषता इसकी जल प्रणाली है। याद रखें, यह रेगिस्तान का एक शहर है। पर्याप्त पानी प्राप्त करना एक निरंतर चुनौती थी। बेरशेबा के लोग इसका एक चतुर उपाय लेकर आए। उन्होंने वर्षा के पानी को इकट्ठा करने और संग्रहित करने के लिए एक प्रणाली का निर्माण किया। इस प्रणाली में नहरें शामिल थीं, जो सड़कों से पानी को एक बड़े बर्न्ड शय में ले जाती थीं।
यह हमें दिखाता है कि प्राचीन सभ्यताएं कितनी उन्नत हो सकती हैं। बेरशेबा की एक और प्रभावशाली विशेषता इसकी नगर योजना है। शहर को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से बनाया गया था। पुरातत्वविदों को बेरशेबा में धातु के काम के प्रमाण भी मिले हैं। यह अपने समय में उद्योग का केंद्र था।